हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीज डीड को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो लीज डीड को ड्राफ्ट करने से पहले हमें देखना होगा लीज किसे कहते हैं। तो लीज की अगर हम लीगल डेफिनेशन की बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। लेकिन अगर हम जनरल मीनिंग समझे लीज का, तो लीज क्या है? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट, यानी कि जो ऑनर है, बिल्कुल टीनेट और लैंडलॉर्ड के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसके अंदर टाइम पीरियड होता है कि मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, वो ऑनरशिप को ट्रांसफर ना करके कुछ राइट ट्रांसफर कर देता है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि तुम इसको यूज कर सकते हो कुछ टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर, तो उसको हम लीज डीड बोल देते हैं। अब हम डेफिनेशन देखें 105 जो टीपीए के अंदर दी गई है, उसके अंदर क्या है? लीज कैन बी अंडरस्टूड एज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट। लीज क्या है? ट्रांसफर ऑफ राइट है टू एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, और ये कंसीडरेशन के ऊपर होता है, मतलब कंसीडरेशन होना इसके अंदर मैंडेटरी है। फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए राइट को ट्रांसफर कर दिया जाता है कि तुम मेरी इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अब अगर हम पार्टीज की बात करें तो इसके अंदर दो पार्टीज होती है, पहली लेसर और दूसरी लेसी। लेसर कौन होता है? लेसर वो होगा जो एब्सोल्यूट ऑनर है प्रॉपर्टी का, जो राइट को ट्रांसफर कर रहा है। और लेसी कौन होगा? जो उस राइट को एक्वायर कर रहा है वो हमारा होता है लेसी। तो पार्टीज कितनी होती है? दो, लेसर और लेसी। लेसर जो ऑनर है और लेसी जो ले रहा है, जो एक्वायर कर रहा है राइट को, वो होता है लेसी। अब अगर हम देखें कि लीज डीड को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, तो उस सबसे पहले हमें पता है, हमें वो मेंशन करनी होती है डेट। उसके बाद हमें पार्टीज की पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले हम वो डेट मेंशन करेंगे जिस दिन वो एग्रीमेंट मेड हुआ है। उसके बाद हम लेसर, जो मेन बंदा है जो ट्रांसफर कर रहा है, जो ओनर है, उसकी पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, जैसे उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, ये सब, वो कहाँ रहता है, ये सब लिखेंगे हम। उसके बाद दूसरी पार्टी जो ले रही है, एक्वायर कर रही है राइट को, उसका, उसकी पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। लेसी, उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता है, ये सब हम दोनों पार्टीज का मेंशन करने के बाद हमें वो लीज डीड के अंदर हमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर किया जा रहा है, वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, वो सब, क्या वो टैक्सेस वगैरह से फ्री है या तुम टैक्सेस के साथ ट्रांसफर कर रहे हो, ये सब हमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देते वक्त लिखना होता है। जैसे हमने लिखा हुआ है दैट द लेसर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ अ लैंड, जो इतनी है, ठीक है, यहाँ सिचुएटेड है, विच इज फ्री, जो फ्री है हर तरीके के टैक्सेस वगैरह से। और लेसी क्या चाहता है? लेसी की अपनी इच्छा है कि वो चाहता है कि मैं इस लैंड को लीज पर लूं, किस पर्पस के लिए, ताकि मैं इसके ऊपर अपना घर, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकूं, उस पर्पस के लिए वो लीज लेना चाहता है। उसके बाद कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी तो लीज के अंदर डिसाइड होंगी, तो हमें उन टर्म्स और कंडीशंस को मेंशन करना होता है। जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन है दैट द लीज विल रिमेन, कि लीज कब तक फोर्स के अंदर रहेगी, कब तक रह सकती है। हमने कहा था मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से आगे तक। जैसे हम यह मान के चलते हैं, हम उसने हाउस लिया है, हाउस के लिए लैंड लीज पर ली है, तो हम 50 ईयर्स मानकर चलते हैं कि उसने 50 ईयर्स के लिए लीज पर ले ली। तो उसके बाद जब 50 ईयर्स उसके एक्सपायर हो जाएंगे ना, जब उसका पर्टिकुलर जो सर्टेन टाइम पीरियड उन्होंने मेंशन कर रखा है लीज के अंदर, जब वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद लेसर को लेसी रिक्वेस्ट करेगा कि अब रिन्यू कर दो लीज को। और जब रिन्यू करवाई जाएंगी ना, तो फ्रेश कंसीडरेशन होंगी, फ्रेश प्रोमिसेस होंगी, सब कुछ फ्रेश होगा, ठीक है। ये फिर पुरानी कंडीशंस वगैरह नहीं होंगी, फिर वो नए तरीके की कंडीशंस, मतलब रिन्यू करने पड़ेंगी, नए तरीके की कंडीशंस वगैरह भी ऐड की जा सकती हैं। That the lease will remain in force for dash years after the expiry of the said period, the lessor may at the request and post of the lessee renew the lease under fresh convenience.
उसके बाद हमारी सेकंड सेकंड टर्म है और कंडीशन क्या कहती है दैट ड्यूरिंग द सेट टर्म ऑफ लीज द लेजी विल पे ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर म्युनिसिपल टैक्सेस कि जितने टाइम लेसी के पास ये लैंड रहेगी ना उतने टाइम तक जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं पानी का बिल बिजली का बिल जितने भी ये सारे बिल्स वगैरह हैं वो कौन पे करेगा वो लेसी ही पे करेगा ठीक है जिसने उसकी लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग इरेक्ट कर ली है। और हम थर्ड कंडीशन पर चलते हैं वो क्या कहती है दैट द लेसी पे द रेंट ऑफ द लैंड लीज आउट टू हिम एट मतलब वो खुद डिसाइड कर सकते हैं वो ईयरली करेगा मंथली करेगा कैसे वो पे करेगा कितने इंटरवल्स के अंदर पे करेगा उस सब की बात करते हैं। यार हमारी थर्ड कंडीशन ठीक है एंड द टेनेंसी विल कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जिस दिन से वो कमेंस होगी उस दिन से लेकर के वो या तो ईयरली या फिर मंथली इतने रुपीज पे करेगा इंटरवल्स के इंटरवल मतलब वो उसकी इच्छा पे डिपेंड है कि वो इंटरवल्स के अंदर देना चाहता है या वैसे ही देना चाहता है। फोर्थ हमारी जो कंडीशन है वो बात कर दिया दैट द लीज शैल नॉट कैरी एनी ट्रेड और बिजनेस अपॉन द सेट लैंड और इन बिल्डिंग इरेक्टेड देयरअपॉन यानी कि हमने पीछे देखा था ना कि उसने लैंड किस पर्पज के लिए खरीदी है हाउस रेजिडेंशियल पर्पज के लिए खरीदी है तो उसके ऊपर वो कोई ट्रेड या फिर बिजनेस वगैरह नहीं करेगा। ये कंडीशन क्या है मेंशन कर दी उन्होंने ये टर्म मेंशन कर दी है कि तुमने अगर अपने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए लिए है लीज पर लैंड तो तुम ना तो उस पर ट्रेड करोगे ना कोई बिजनेस करोगे। उसके बाद अगर हम देखें हमारी फिफ्थ कंडीशन बात करती है दैट द लीज विल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लीज होल्ड एंड Lessee will during the term of the lease hold and enjoy the land leased out to him or the building erected upon it without lawful interruptions by the lessee. यानी कि अब फ्री है lessee अब उसको एक बार मिल गई तो वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है लेकिन बिना कंडीशंस का को वायलेट किए और लेसर के द्वारा कोई भी लॉफुल इंटरप्शंस कोई भी इंटरप्शंस नहीं क्रिएट की जाएंगी ना ही लेसर की बिहा पर किसी अदर पर्सन के थ्रू उसकी लैंड जो वो एंजॉय कर रहा है उसके अंदर इंटरप्शंस क्रिएट किए जाएंगे। और सिक्स हमारा बात करता है प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट इफ अब ये मेन है कि एंड व्हेन द लेसी नॉट पेड जब लेसी ने पेड नहीं किए अगर लेसी क्या है मना कर देता है अमाउंट पे करने से मतलब कुछ टाइम तो उसने पे की इंस्टॉलमेंट के अंदर उसके बाद वो पे ही नहीं कर रहा तो या फिर इस जो लीज डीड के अंदर कोई कंडीशंस मेंशन है उनका उनमें से किसी का ब्रीच करता है किसी प्रॉमिस को तोड़ता है तो वो क्या है लेसर के पास राइट आ जाएगा लॉफुल राइट आ जाएगा कि वो री एंटर कर सकता है उस लैंड के अंदर उस लैंड के अंदर जो उसने क्या है लीज पर दी हुई थी लेसी को ठीक है और वो क्या है टर्मिनेट हो जाएगी वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। क्या कंडीशन रख दी उन्होंने कि अगर वो पे नहीं कर रहा अमाउंट जो डिसाइड हुई थी अमाउंट वो पे नहीं कर रहा या फिर उसने क्या कर दिया है ब्रीच कर दिया है किसी कंडीशन का तो क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगी ये लीज डेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लीज डेट का वो है विटनेसेस के सिग्नेचर तो इन विटनेसेस वेयर ऑफ द पार्टीज हेयर टू हैव हेयर अंडर साइन दिस डीड ऑन दी किस दिन पर किस महीने में किस साल वो डीड को साइन किया गया है उसकी डेट मेंशन करनी होती है। उसके बाद लेसर के सिग्नेचर देने होते हैं लेसी के सिग्नेचर देने होते हैं दोनों अपने अपने सिग्नेचर्स करेंगे यहाँ ठीक है दोनों पार्टीज अपने अपने सिग्नेचर देगी और उसके बाद दो विटनेसेस यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। तो यहाँ तक था हमारा लीज डीड को ड्राफ्ट करने का फॉर्मेट। हमें सबसे पहले हमने देखा कि लीज होती क्या है लीज की डेफिनेशन कहाँ दी गई है 105 टीपीए के अंदर दी गई है जनरल मीनिंग देखा हमने लीज का। उसके बाद हमने उसके अंदर दो पार्टीज इंक्लूड होती है उनको डिस्कस किया और उसके बाद हम पहुंचे अपने ड्राफ्ट पर। तो ड्राफ्ट में हमने सबसे पहले डेट मेंशन की है जिस डेट को वो एग्रीमेंट मेड हुआ उसके बाद हमने दोनों पार्टीज की डिटेल दी है जिनके अंदर वो एग्रीमेंट बनाया गया है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दी है उसके बाद जो टर्म्स और कंडीशंस जो डिसाइड हो चुकी है उनके बारे में बताते हुए एंड में हमने क्या दे दिए कि जिस दिन वो साइन हुई है जिस दिन जिस महीने जिस साल को वो साइन हुई है सेल डेट
उसको मेंशन करते हुए दोनों पार्टीज के सिग्नेचर और फिर हमने विटनेसेस की सिग्नेचर देकर यहाँ तक हमारा लीज डेड का फॉर्मेट को कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं, देखेंगे मॉर्गेज डीड या फिर सेल डीड को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, इन दोनों में से कोई एक डीड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।